कि चीन की सेना को कैसे भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और आपको हमें बताएंगे कि चीन ने जिस तरह की धोखेबाजी की है उसके बाद अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। चीनी सेना ने एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने लेकिन पड़ोसी देश की हिमाकत का फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है हमेशा की तरह। बताया जा रहा है कि पेंगोंग इलाके में चीन की सेना की घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है। वो वहां कैंप बना रहे थे, टैंक्स उनके मूव हो रहे थे, तभी झड़प हो गई। गलवान पार्ट टू की चीनी साजिश नाकाम, फिर एलएसी पर चीन ने की घुसपैठ की कोशिश। एलएसी पर चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब, अड़ियल चीन को जवानों ने सिखाया सबक। चीन के धोखे का सच सामने आ चुका है। वही चीन जिसने गलवान में भारतीय जवानों पर हमला किया, वही चीन जिसने समझौतों का सम्मान नहीं किया, एक बार फिर उसी चीन ने पेंगोंग इलाके में रची थी घुसपैठ की साजिश। पीएलए के जवान एलएसी पर घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। घुसपैठ की ताजा घटना पेंगोंग इलाके में हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने यह हिमाकत की। वो नए टेंट लगा रहे थे, सड़कें बना रहे थे, लेकिन चीन की हर चाल पर नजर रखने वाले जवानों ने जब उन्हें रोका तो वे झड़प करने लगे। तब उन्हें करारा जवाब मिला। अब आपको दिखाते हैं पेंगोंग का वो इलाका जहां चीनी सेना के साथ भारतीय जवानों की हाथापाई हुई है। अब तक जितना भी एक्शन था वो पेंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूँ जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। एक तिहाई झील भारत में पड़ती है, दो तिहाई जो झील है वो चीन में पड़ती है, और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। ये तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देखिए, ये भारत की सड़क है, यहाँ पे भारत ने अपने बिल्डअप किए हुए, ये भारत की सड़क है। हमारे सैनिकों ने रात में देखा कि चीन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब एग्जैक्ट जगह तो हम लोगों को इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन जो कुल मिला के अंदाज़ा है वो ये है कि इस जनरल एरिया में ये झड़प हुई है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उस जगह को जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जंग हुआ। चूंकि इंडियन आर्मी वहां पे मुस्तैद थी और काफ़ी अलर्ट पे थी, तो हमने स्पॉट किया कि चाइनीज आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद इंडियन आर्मी वहां पे मोबिलाइज हुई। ये 14 कोर का इलाका पड़ता है, पूरा लद्दाख का जो सेक्टर है वो 14 कोर का आर्मी का इलाका पड़ता है, और वहां पे फिर हमने उनको पुशबैक किया। वायलेंस हुई, यानी कि हिंसा हुई भारत और चीन की सेनाओं। मई में हुई झड़प के बाद से ही चीन के साथ बातचीत चल रही है। गलवान में झड़प के बाद तो ये कोशिश और तेज हो गई थी। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर शांति पहल की कवायद तेज हो गई। उम्मीद की जा रही थी कि चीन पर बातों का असर होगा, लेकिन 29 और 30 अगस्त की घटना से साफ हो गया है कि वो मानने वाला नहीं। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पेंगोंग सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता, क्योंकि जो हमारी रोड है दारबुक से चुशुल और आगे फुकचे और दमचौक, उसके इंटरफेयर कर सकते थे। और अगर सदर्न बैंक के ऊपर जो हाइट्स हैं उनको भी घेर लें, उनको भी पकड़ लें, तो वास्तव में हमारी जो दोनों एक्सेस जाती हैं लेह की तरफ, दोनों को इंटरफेयर कर सकते हैं बड़ी सक्सेसफुली। पूर्वी लद्दाख में जो चीन ने किया है उसके बाद से हिंदुस्तान अलर्ट है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा घेरा तैयार है, फौलादी जवान डटे हुए हैं, वायुसेना भी मुस्तैद है। चीन बातें भूल गया था, उसे लग रहा था कि वो एलएसी पर अपनी मनमानी करेगा।
ड्रैगन के इसी रवैये को देखते हुए भारत ने अब तक एलएसी से अपनी सेना की तैनाती में कमी नहीं की है। करीब 40,000 जवान मुस्तैद हैं ताकि चीन की छोटी से छोटी गुस्ताखी का भी बड़ा जवाब दिया जाए और वो दोबारा हिंदुस्तान की जमीन पर आंख न उठा पाए, क्योंकि चाइना एडमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने के लिए। वो उसकी जो परसेप्शन अपने हिसाब से देखता है वो उसको फिंगर फोर तक लाना चाहता है, तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म जो घातक बात होगी, इसलिए हमें चाइना को चेक करना बहुत जरूरी है। इस बात का संकेत खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी दे चुके हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत विफल हो जाए। विस्तारवादी चश्मे पर जमी धूल को साफ कर ले चीन, क्योंकि वक्त बदल गया है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।